हाई गाइज आई एम हीयर विथ हाई गाइज आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स आई एम हीयर विथ 300 MCQs ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। डियर फ्रेंड्स आई हैव कम्प्लीटेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 292 अप टू पार्ट 15। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस। सो डियर फ्रेंड्स दीज क्वेश्चंस आर वेरी यूजफुल फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। यदि आप इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी यूजफुल फॉर यू। इसी प्रकार से यदि आप क्वेश्चन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रैवल बुक बाई पॉल थ्योरेक्स। पॉल थ्योरेक्स के द्वारा लिखी हुई कौन सी ट्रैवल बुक है? ऑप्शन ए द ब्लैक हाउस, ऑप्शन बी द ग्रेट रेलवे बाजार, ऑप्शन सी वर्ल्ड्स एंड ऑप्शन डी द काउंसिल फाइल। काउंसिल फाइल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी द ग्रेट रेलवे बाजार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 294। विच नॉवेल ऑफ जॉन अपडाइक डिस्क्राइब द अफेयर्स ऑफ द कपल्स व्हेन दे एक्सचेंज मेट्स। विच नॉवेल ऑफ जॉन अपडाइक डिस्क्राइब द अफेयर ऑफ द कपल्स व्हेन दे एक्सचेंज मेट्स। ऑप्शन ए मैरी मी, ऑप्शन बी द काउ, ऑप्शन सी कपल एंड ऑप्शन डी बीच इन बैग। बीच इन बैग। सो द करेक्ट आंसर इज मैरी मी। मैरी मी नॉवेल ऑफ जॉन अपडाइक डिस्क्राइब द अफेयर्स ऑफ द कपल्स व्हेन दे एक्सचेंज मेट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर मैरी मी। नाउ क्वेश्चन नंबर 295। विच वर्क ऑफ एडिथ वार्टन न्यूबोल्ड जोन्स डिस्क्राइब द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव ऑफ एन अमेरिका बुल एंड मिल बिटवीन द डिमांड्स ऑफ हिज वर्क्स एंड दोज ऑफ द टू वुमेन ही लव्स। ऑप्शन ए द रीफ, ऑप्शन बी द हाउस ऑफ मर्थ, ऑप्शन सी द फ्रूट ऑफ द ट्री एंड ऑप्शन डी समर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फ्रूट ऑफ द ट्री। वर्क ऑफ एडिथ वार्टन न्यू बोल्ड जोन्स डिस्क्राइब द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ए बिजनेस एग्जीक्यूटिव ऑफ एन अमेरिका बुलन मिल बिटवीन द डिमांड ऑफ हिज वर्क एंड दोज ऑफ द टू वुमेन ही लव्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 296। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डज नॉट डील विथ रिलेशंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। ऑप्शन ए द गॉड्स अराइव, ऑप्शन बी द चिल्ड्रन, ऑप्शन सी द मदर्स रिकॉम्पेंस एंड ऑप्शन डी ट्विलाइट स्लीप। ट्विलाइट स्लीप। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए द गॉड्स अराइव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 297। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाई एडमंड विल्सन। विच ऑफ द प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाई एडमंड विल्सन। ऑप्शन ए डिस्कॉर्डेंट इनकाउंटर्स, ऑप्शन बी द लिटिल ब्लू लाइट, ऑप्शन सी दिस रूम एंड गन एंड दीज सैंडविचेज, ऑप्शन सी सिचुएशन नॉर्मल। सिचुएशन नॉर्मल। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिचुएशन नॉर्मल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 298। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट नॉवेल ऑफ लव थीम। विच वन, इनमें से कौन से लव थीम पे नॉवेल नहीं है? ऑप्शन ए फोर गोन कंक्लूजन, ऑप्शन बी अ वोमेंस रीजन, ऑप्शन सी अ मॉडर्न स्टेंस, ऑप्शन डी अप्रैल होप्स। सो ऑप्शन बी अ वोमेंस रीजन इज द करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ 300 MCQs। सो यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हर पार्ट्स में
करीब 20 to 25 क्वेश्चंस होते हैं. इन दिस वे आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट 300 क्वेश्चंस. दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. नाउ क्वेश्चन नंबर 299. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरी कलेक्शन ऑफ हेनरी जेम्स जूनियर. ऑप्शन ए द बोस्टनियंस. ऑप्शन बी पोर्ट्रेट ऑफ द प्लेसेस. ऑप्शन सी अ लिटिल टूर इन फ्रांस. एंड ऑप्शन डी लंडन लाइफ. सो ऑप्शन ए बोस्टोनियंस इज द करेक्ट आंसर. नाउ दिस इज 300 क्वेश्चन नंबर 300 लास्ट क्वेश्चन ऑफ 300 MCQs ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. विच प्ले ऑफ आर्थर मिलर प्रेजेंट्स डिफरेंट व्यूज ऑफ वर्कर्स इन मैनहट्टन वेयर हाउस. ऑप्शन ए डेथ ऑफ ए सेल्समैन. ऑप्शन बी आफ्टर द फॉल. ऑप्शन सी अ मेमोरी ऑफ टू मंडेज. एंड ऑप्शन डी अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज. सो ऑप्शन सी अ मेमोरी ऑफ टू मंडेज. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पसंद आए होंगे. इस प्रकार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.